Got you ready? Ready, ready. Roll, roll. Really? Namaskar! Aaj bahut hi khaas din hai, kyunki aaj Grover ji apni nayi kitab ka udghatan karne wale hai. To aaiye, aapko seedhe le chalte hai Grover ji ke cafe mein. To jaisa ki aap sab dekh rahe hain, सारी तैयारियां हो चुकी है और हमारे चीफ गेस्ट जी भी सो चुके हैं. मेरा मतलब है आ चुके हैं. हेलो जी. क्या बात है, बहुत सारे लोग आ गए. वाह, वेलकम है जी सबको, वेलकम. सबसे पहले तो मैं अपनी फोटो खिंचवाऊंगा, फिर आप सबको अपनी किताब दिखाऊंगा. आजा जी, आजा, फोटो शूट की. चलो 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 चमकी. हाँ जी, लो जी फोटो, लो जी. ओके, रेडी ग्रोवर जी? हाँ जी बिल्कुल, तो पोज. ग्रोवर जी, आपकी किताब जी. ओ ओ हाँ, मेरी किताब, वो तो मैं भूल ही गया, अभी दिखाता हूँ. दोस्तों, अब पेश है आपके सामने मेरी किताब. जी मेरी किताब प्लीज. थैंक यू. थैंक यू. ओए शुक्र है, मेरी किताब बच गई. ग्रोवर जी, लेकिन ये किताब थोड़ी है, ये तो सिर्फ खाली पन्ने हैं, पन्ने. हाँ ग्रोवर जी, किताब का एक नाम होता है, उसमें एक कहानी होती है, फोटोज भी होती है, और किताब के सारे पन्ने आपस में जुड़े रहते हैं. ये होती है किताब. ओ जी, मेरे को पता है, तभी तो सबसे पहले मैंने खाली पन्ने इकट्ठे किए. अब मैं सबसे ऊपर एक पन्ने के लिखूंगा कहानी का नाम और बाकी के पन्नों के ऊपर कहानी. एक्सक्यूज मी ग्रोवर जी, लेकिन आपकी कहानी है क्या? मुझे मेरी कहानी है बिल्कुल अलग, बिल्कुल नहीं, और बहुत ही अच्छी. क्या क्या है, क्या है? जी वो मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा. ठीक है, मैं चलता हूँ. ओके, बाय बाय ग्रोवर जी. नमस्कार, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज ग्रोवर जी अपनी नई किताब का उद्घाटन कर ही देंगे. तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं ग्रोवर जी के कैफे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज स्टेज पे ग्रोवर जी के साथ एक गवाह भी है. आइए उनसे पूछते हैं इस बात का राज. अच्छा, फॉलो मी. हेलो ग्रोवर जी. क्या आपकी किताब पक्षियों के बारे में है? अभी पता लग जाएगा. एक मिनट. ये मेरी किताब. तालियां. जी मेरी किताब. थैंक यू सर. ओए ग्रोवर जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद. अरे पर थैंक यू जी, थैंक यू. दे दो मेरी किताब, दे दो प्लीज. ओए ओए किताब. ओए ग्रोवर जी, ग्रोवर जी, हमने आपको पिछली बार भी बताया था ना कि किताब में एक कहानी होती है, फोटोज होती है, किताब के सारे पेजेस आपस में चिपके हुए होते हैं, और किताब के पहले पन्ने पे किताब का नाम भी होता है. ओ जी, मेरे को पता है. तभी तो ये देखो, किताब शुरू होती है जिल्द से, यानी कि कवर पेज. ऊपर में लिखा होता है कहानी का नाम. और नीचे मेरा यानी लेखक का ग्रोवर और ये कौवा है मेरी कहानी का हीरो.
फनी के है। लेकिन ग्रोवर कहानी है क्या? हाँ, ये तो आपको अगले हफ्ते ही पता चलेगा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। चलिए आ रही हूँ। रोलिंग, हम एक बार फिर से गली में इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं ग्रोवर जी की किताब तैयार है या नहीं। देखिए, मेरी किताब तैयार है। ये है उसका कवर पेज, टाइटल स्मार्ट कौवा, और नीचे ये लेखक यानी मेरा नाम। ये खोला मैंने किताब का पहला पन्ना। ये कहानी है एक प्यासे कौवे की। ओए ओए, एक कौवे को बहुत प्यास लगी। एक मिनट ग्रोवर जी, ये कहानी तो हम सब ने सुनी हुई है, है ना? अरे ये कहानी तो बहुत पुरानी है, मेरे पापा ने मुझको सुनाई थी। ओ जी, एक मिनट, ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है। पहले कौवा कंकड़ लेकर आता है, फिर वो उसे घड़े में डालता है, फिर धीमे धीमे करके पानी ऊपर आता है और वो उसे सुरक सुरक के पी जाता है। कितनी पुरानी कहानी है। तुमने भी सुनी है ये कहानी? मेरी कहानी बिल्कुल नई और ताजी है, मेरे कैफे की तरह बिल्कुल मॉडर्न। मेरी कहानी का कौवा भी मॉडर्न और समझदार है। वो घड़े में कंकड़ नहीं बल्कि स्ट्रॉ डाल के सुड़क सुड़क कर पानी पी जाता है जी। स्ट्रॉ?